उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे से जब पूछा गया कि मायावती ने पीसी में कहा है कि एससी एसटी का विरोध बीजेपी की एक साजिश है, तो पर्दे के पीछे से बीजेपी साजिश कर रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। इस पर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि मायावती जी के मुख से ये सब शोभा नहीं देता है। उन्होंने तिलक तराजू और तलवार को लेकर शुरू किया था और समाज को बांटने का काम हमेशा ही किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी जगह समाज के सभी लोगों को लेकर चलने की नीति पर काम करती रही है। वहीं जाति सम्मेलन पर कहा कि समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को जाकर जागरूक किया जा रहा है और ये बयान बिल्कुल भी बीजेपी से मेल नहीं खाता है। रामानुज यादव जी की 35वीं बरस जो शहीद मेला आयोजित उनकी पुण्यतिथि पर उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे और जनता से 200 निवेदन मायावती जी ने स्टेटमेंट प्रिंस हुआ और उनका आरोप है कि जो सत्तादल के पार्टी है बीजेपी है वो पर्दे के पीछे से एससी एसटी के नाम पे देश में एक बड़ी साजिश कर रही है समाज को बांटने के लिए, क्या कहना है? अब मायावती जी के मुंह से शोभा नहीं देता, जिन्होंने तिलक तराजू से लेकर के शुरू किया था और समाज को बांटने की राजनीति मायावती जी ने हमेशा किया है और दोहरा चरित्र है इस विषय में। भारतीय जनता पार्टी इसकी जगह समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने के संस्कार की पार्टी है और यही पार्टी की नीति है, रीति है और पार्टी उसी पर चलती रहे। सर एक सर एक आगे क्वेश्चन है कि अगर जाति है एक्स का दुरुपयोग होता है ओबीसी के लिए, दुरुपयोग हो रहा है सर, समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। उस जागरूकता के पीछे आवश्यकता है कि समाज के सभी वर्गों के जागरूक इंसान आगे आए और केंद्र और राज्य सरकारों से जो गरीबों के हित में अच्छी से अच्छी योजनाएं हमारी सरकारें बना रही हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचाएं, इसके लिए सबको जागरूक किया जाए। 2019 का चुनाव सर पे है, आप छोटी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन करते हैं, क्या शिवपाल यादव की पार्टी से आपका गठबंधन होगा क्या? शिवपाल यादव एक जमीनी नेता हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और भारत के लोकतंत्र में किसी को भी संगठन बनाने का हक है। आप भविष्य के अंदर पार्टी में लेंगे सर उनको, भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की जैसी बनेगी। बलिया से ये थी मोमशाद अहमद की रिपोर्ट।